गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चे, हम सर्कुलेटरी सिस्टम यूनिट कर रहे हैं और सर्कुलेटरी सिस्टम यूनिट में हमने स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड मैकेनिज्म ऑफ पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट के बारे में डिस्कस किया है। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज हार्ट बीट। देखिए, आपको पता है कि हार्ट एक पंपिंग मशीन है जो कि कॉन्ट्रैक्ट भी करता है और रिलैक्स भी करता है। सो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्यों करता है? ताकि वो ब्लड की सप्लाई बॉडी को कर सके। और रिलैक्स क्यों करता है? ताकि वो ब्लड को रिसीव कर सके। सो हार्ट ब्लड को जब बॉडी को देना होता है तब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जब बॉडी से ब्लड वापस लेना हो तो वो रिलैक्स करता है। दोनों ही टाइम पे वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। बट ऐसा कौन सा सेंटर है, ऐसा कौन सी जगह है, जैसी कौन सी चीज है जो हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन एंड उसकी रिलैक्सेशन करवाती है? तो क्या वो नर्वस सिस्टम है, या हार्ट के अंदर ही कुछ ऐसा है जो उसको ये काम करवाने के लिए मजबूर करती है? तो उसके बेसिस के ऊपर हम हार्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। नंबर वन कैटेगरी आती है न्यूरोजेनिक हार्ट। न्यूरोजेनिक हार्ट वो वाला होता है, यहां पर हार्ट बीट का जो ओरिजिन है वो नर्वस सिस्टम से होता है, दैट इज व्हाई इट इज न्यूरोजेनिक। ठीक है, न्यूरो मतलब नर्वस सिस्टम। तो यहां पर क्या होता है कि इंडिविजुअल का जो हार्ट है वो बीट करता तो है, लेकिन उसकी बीट करवाने का जो एक्चुअल पोटेंशियल है वो नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। अगर उस हार्ट को हम नर्वस सिस्टम से अलग कर देते हैं तो वो हार्ट बीट नहीं कर सकता और अल्टीमेटली डेड है। इट मींस इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म हम हार्ट ट्रांसप्लांटेशन आज के टाइम पे नियरली इम्पॉसिबल समझते हैं। दूसरा होता है मायोजेनिक हार्ट। मायोजेनिक हार्ट वो वाला हार्ट होता है जिसमें सेल्फ एक्साइटेशन की कैपेबिलिटी होती है। इट मींस ये नर्वस सिस्टम के ऊपर सेल्फ एक्साइटेशन के लिए डिपेंड नहीं होता। नर्वस सिस्टम के ऊपर डिपेंड तो होगा, बट नॉट फॉर द पर्पस ऑफ हार्ट बीट जो जनरेट करनी है उसके लिए। क्योंकि अब मायोजेनिक हार्ट में हार्ट बीट की जनरेशन नर्वस सिस्टम के ऊपर डिपेंड नहीं करती, सो हम इस केस में एक इंडिविजुअल के हार्ट को निकाल सकते हैं, उसे अनुकूल स्थितियों में रख सकते हैं और फिर दूसरे इंडिविजुअल में उसे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। क्योंकि आपने बड़ी सारी मूवीज में और इवन सुना भी होगा कि सर्जरी के द्वारा एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हार्ट को ट्रांसप्लांट किया गया है, तो यस, ह्यूमन बीइंग में मायोजेनिक टाइप ऑफ हार्ट एग्जिस्ट करता है। तो न्यूरोजेनिक हार्ट मोस्टली इनवर्टिब्रेट में, जैसे एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, उनमें मोस्ट ऑफ द केसेस में न्यूरोजेनिक हार्ट प्रेजेंट होता है। क्योंकि मैंने अभी कहा कि हमारे केसेस में मायोजेनिक हार्ट है, मतलब हमारे केसेस में हार्ट के अंदर ही एक ऐसी जगह है यहाँ पर इम्पल्स जनरेट होती है, यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, और वो जो जगह है, वो जो सेंटर है जो उसे जनरेट करवाता है, उसे एस ए नोड कहा जाता है, मतलब साइनो आरिकुलर नोड। ये साइनो आरिकुलर नोड जो है, ये बेसिकली अगर आपको याद हो तो हमने फिशर्स के केसेस में पढ़ा था कि उनमें साइनोस बिनोसस एक एक्सेसरी चैम्बर होता था हार्ट का, जो कि मर्ज होके बना देता है ऐसे नोड इन केस ऑफ मैमल्स, राइट। और ये ऐसे नोड प्रेजेंट होता है इन द राइट आरिकल और बिलो द ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वेना कैवा। तो इसके ऊपर जस्ट थोड़ी सी ऊपर यहाँ पे सुपीरियर वेना कैवा ओपन हो रही होती है और उसके नीचे यहाँ पे एस ए नोड प्रेजेंट होता है। यही ऐसे नोड है जो कि हार्ट बीट ओरिजिन करवाता है, मतलब डीपोलराइजेशन करवाता है आरवी कैन से, ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवाता है, राइट। दैट इज व्हाई इसी ऐसे नोड को हम लोग पेस मेकर भी कहते हैं। तो पेस मेकर क्या हुआ,
कि जो एक्चुअल पोटेंशियल को जनरेट करवाता है ताकि हार्ट बीट कर सके। और वो कौन करवाता है? वो करवाता है ऐसे नोड, और ये ऐसे नोड को टोटैलिटी में क्या कहा जाता है? साइनो आरिक्यूलर नोड। और ये साइनो आरिक्यूलर नोड कहाँ प्रेजेंट होता है? इन द राइट आरिकल बिलो द ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वेना कैवा। अब देखिए ये जो ऐसे नोड है, ये ऐसे नोड क्या करता है? एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है। और ये जो एक्शन पोटेंशियल है, मैंने एरो बना के दिखाया हुआ है कि ये फैल रही है यहाँ पर, और ये क्या कराता है? कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, राइट। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा, जब भी हार्ट बीट करता है तो यहाँ पर दो आवाज आती है, धक धक। इसका मतलब हमारा हार्ट जो है टोटैलिटी में कॉन्ट्रैक्ट और टोटैलिटी में रिलैक्स नहीं करता। पहले आरिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और आरिकल फिर धीरे धीरे रिलैक्स करते हैं, देन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है और वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं। इट मीन्स सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन आरिकल की होगी और देन फॉलो बाय द वेंट्रिकल। तो कुछ इस तरीके से मैकेनिज्म चलता रहता है, राइट। क्योंकि जब सोर्स एक है, वो दोनों आरिकल को कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है, तो ऐसा क्यों है कि वो वेंट्रिकल की भी साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन नहीं करवाता? हार्ट तो सेम ही है, तो ऐसा क्या है कि आरिकल की कॉन्ट्रैक्शन पहले है, बट वाई देर इज डिले फॉर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन? उसका रीजन ये है कि आरिकल के नीचे जब वो एक्चुअल पोटेंशियल आता है, तो बेसिकली यहां पर इस जगह पर प्रेजेंट होते हैं एनुलर पैड, और ये जो एनुलर पैड है, ये उस डीपोलराइजेशन को या एक्शन पोटेंशियल को डिले करवा देते हैं बाय 0.1 सेकेंड, राइट। तो यहां पर 0.1 सेकेंड की डिले हो जाती है, और ये जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, और यहां पर प्रेजेंट होता है ए बी नोड। क्या प्रेजेंट होता है? ए बी नोड से आरिक्यूलो वेंट्रिकुलर नोड कहा जाता है। Why it is called as auriculoventricular node? क्योंकि इसका कुछ पोर्शन आरिकल की तरफ है और कुछ पोर्शन इसका वेंट्रिकल की तरफ है, तो ये भी राइट आरिकल वाली साइड प्रेजेंट होगा, बट ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के बीच में प्रेजेंट होगा। दैट इज वाई इसे हम आरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड कहते हैं। तो ऐसे नोड ने ऑल्दो डायरेक्टली कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द आरिकल तो करवा दी, बट ये डायरेक्टली वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन नहीं करवाता। इंस्टेड ऐसे नोड जो है वो ए बी नोड को एक्साइट करवाता है। अब आरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड जो है ये सेल्फ एक्साइटेशन नहीं रखता। इट मींस ऐसे नोड खुद एक्साइट होता है, ए बी नोड डिपेंड करता है आने ऐसे नोड कि मुझे एक्साइट किया जाए। जब आरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड एक्साइट होता है, देन वेव ऑफ द डीपोलराइजेशन जो है वो वेंट्रिकल की तरफ फैलती है। बट वेंट्रिकल की तरफ कैसे फैलेगी? थ्रू नोडल टिश्यू। और उस नोडल टिश्यू में क्या क्या आएगा? सबसे पहले तो आपका एवी नोड है, एवी नोड से निकलेगा बंडल ऑफ हिज, राइट। तो जैसे देखिए ये एवी नोड है, एवी नोड से ये बंडल ऑफ हिज है, फिर बंडल ऑफ हिज जो है वो लेफ्ट और राइट परकंजी फाइबर में डिवाइड हो जाता है, और अल्टीमेटली उसकी फर्दर ब्रांचिंग हो जाती है और पूरा वेंट्रिकल को वो कवर कर देता है। सो यहां से जो सिग्नल आया उसने एवी नोड को एक्साइट किया, एवी नोड ने वो वाला सिग्नल बंडल ऑफ हिज देन लेफ्ट और राइट ब्रांच को और फिर परकंजी फाइबर को दे दिया, और परकंजी फाइबर ने फिर वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन करवाई। इंस्टेड ऑफ कि जब आपने पढ़ा था कि आरिकल सिर्फ 0.1 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है, बट जो आपका वेंट्रिकल है ये 0.3 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है। सो आरिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है 0.1 सेकंड के लिए, बट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है फॉर 0.3 सेकंड के लिए। ओवरऑल हमारी जो हार्ट बीट होती है वो होती है 0.8 सेकंड की, ठीक है। ओवरऑल हमारी जो हार्ट बीट होती है वो होती है 0.8 सेकंड की, और उसमें से अगर ध्यान से देखा जाए
मैं यहाँ पे बॉक्स बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इसी तरीके से 8 मैं यहाँ बना देता हूँ, ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो देखिए पहले जब आरिकल कॉन्ट्रैक्ट किया 0.1 सेकेंड के लिए, राइट, तो वेंट्रिकल कुछ नहीं कर रहा था, वो रिलैक्स कर रहा था। लेकिन अगले 0.7 सेकेंड के लिए आरिकल जो है वो रिलैक्स कर रहा है, तो उसे मैंने शेड नहीं किया। वेंट्रिकल की बात की जाए, जब आरिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था तो वेंट्रिकल तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा था, बट फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है फॉर नेक्स्ट 3 सेकेंड, ठीक है। तो ये नेक्स्ट 3 सेकेंड जो है ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, 0.1 सेकेंड आरिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और 0.3 सेकेंड वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। जब आरिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था तब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा था, और जब आरिकल रिलैक्स कर रहा था तब वेंट्रिकल ने रिलैक्सेशन शुरू किया। बट यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो 4 सेकेंड है, 0.4 सेकेंड, ये एक ऐसे 0.4 सेकेंड है जब आरिकल और वेंट्रिकल दोनों ही रिलैक्स कर रहे होते हैं, और इसे हम लोग जॉइंट डायासिस्टोल बोलते हैं। तो जॉइंट डायासिस्टोल जो है वो 0.4 सेकेंड के लिए होता है। सिस्टोल क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। डायासिस्टोल क्या हुआ? रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। अब देखिए 0.1 सेकेंड के लिए आरिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, मतलब सिस्टोल किया, और 0.7 सेकेंड के लिए ये रिलैक्स करता रहा। वेंट्रिकल की बात की जाए, 0.3 सेकेंड ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन 1 2 3 4 और ये पहले वाला 5, 0.5 सेकेंड ये रिलैक्स कर रहा है, ठीक है। रिलैक्सेशन साथ में चल रही है, जिसे डायासिस्टोल बोला जाता है। तो आरिकल सिस्टोल भी करता है, मतलब काम भी करता है, देन डायासिस्टोल रेस्ट भी करता है। वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहा है मतलब कॉन्ट्रेक्शन कर रहा है, देन डायसिस्टोल मतलब रिलैक्स भी कर रहा है, लेकिन दोनों एक टाइम तो ऐसा होगा जब दोनों रिलैक्स कर रहे थे, वो होता है 0.4 सेकेंड। ये बेहद इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसे दिमाग में रख के चलिएगा कि ओवरऑल अगर आरिकल की कॉन्ट्रेक्शन देखी जाए, इट इज फॉर ओनली 0.1 सेकेंड, फॉर 0.7 सेकेंड ये रिलैक्स करता है। वेंट्रिकल की कॉन्ट्रेक्शन देखी जाए तो 0.3 सेकेंड ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, 0.5 सेकेंड ये रिलैक्स करता है। अगर हम बात करें टोटलिटी में कि भाई जब आरिकल और वेंट्रिकल दोनों ही रिलैक्स करते हैं, उसे हम बोलते हैं जॉइंट, मतलब इकट्ठे डायसिस्टोल रिलैक्सेशन, तो वो होती है 0.4 सेकेंड की। तो आप ऐसे बॉक्स बना के उस चीज को जो है वो अच्छे से समझ सकते हैं। तो डेट वॉज ऑल अबाउट हार्ट बीट। लेकिन हाँ, एक चीज जो मिस होगी मेरे से, वो क्या था कि मैंने कहा था कि मायोजेनिक हार्ट में ओरिजिन ऑफ द हार्ट बीट जो है वो नर्वस सिस्टम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, पर डजंट मीन कि नर्वस सिस्टम कोई भी रोल प्ले नहीं करता। हार्ट की जो रेट होती है, हार्ट बीट की जो रेट होती है, वो नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। हम जानते हैं हमारा हार्ट जो है वो 72 टाइम बीट करता है, राइट। जब हम रनिंग करते हैं तो ये हार्ट बीट जो है वो 80, 90, 100 के पास भी पहुंच जाती है, और कई बार जो जब हम दौड़ के रिलैक्स करते हैं तो देखा होगा कि धीरे धीरे शांत होकर फिर से 70 से 72 के बीच में पहुंच जाती है। तो क्या ये भी मैकेनिज्म हार्ट कंट्रोल करता है? नो। तो रेट ऑफ हार्ट बीट जो है, रेट ऑफ हार्ट बीट जो है वो हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है? सबसे पहले सिंपैथेटिक, और दूसरा होता है पैरासिंपैथेटिक। जो सिंपैथेटिक है ये नर्वस सिस्टम क्या करवाता है, हार्ट बीट को तेज करवाता है, और जो पैरासिंपैथेटिक है ये हार्ट बीट को डिक्रीज करवाता है। वो हार्ट बीट का बढ़ना और हार्ट बीट का घटना ये भी अनिवार्य है, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द बॉडी, अगर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाए, हम कुछ हैवी काम कर रहे हैं तो हार्ट बीट भी स्वाभाविकली बढ़ेगी ही बढ़ेगी, राइट। इन एडिशन टू दिस देयर आर सर्टेन न्यूरो हार्मोन दैट इज एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, तो ये भी क्या करवाते हैं, ये भी हार्ट बीट की रेट को कंट्रोल करवाते हैं।
सो ह्यूमन का हार्ट जो है वो खुद सेल्फ एक्साइटेशन की कैपेबिलिटी रखता है, बट वो नर्वस सिस्टम के ऊपर भी डिपेंड करता है फॉर कंट्रोलिंग द रेट ऑफ हार्ट बीट। डेट वॉज ऑल अबाउट हार्ट बीट। मैं जल्दी से क्विकली समराइज कर देता हूँ, हार्ट बीट क्या हुआ? रिदमिक स्पॉन्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट टू सप्लाई द ब्लड एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट टू रिसीव द ब्लड फ्रॉम द बॉडी, उसे हम लोग हार्ट बीट कहते हैं। हार्ट बीट जो है डिपेंडिंग अपॉन वो कहाँ पे जनरेट होती है, हम कहते हैं हार्ट न्यूरोजेनिक भी हो सकता है और हार्ट मायोजेनिक भी हो सकता है। अगर हार्ट बीट का ओरिजिन नर्वस सिस्टम है तो वो न्यूरोजेनिक है, अगर हार्ट बीट का ओरिजिन विद इन द हार्ट है तो वो मायोजेनिक हार्ट है। फिर अगर वो मायोजेनिक हार्ट है तो वो कहाँ पर हार्ट बीट जनरेट होती है, मतलब वो जो एक्शन पोटेंशियल है कहाँ पर जनरेट होता है? साइनो आरिकुलर नोड, और साइनो आरिकुलर नोड बेसिकली साइनस विनोसस की मॉडिफिकेशन से बनता है, राइट? और साइनस विनोसस बेसिकली एक्सेसरी चैम्बर था इन फिशेस, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स एटसेट्रा, और ये कहाँ पर होता है? द राइट आरिकल बिलो द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कैवा। साइनो आरिकुलर नोड जो है वो आरिकल की कॉन्ट्रेक्शन करवाता है, बट देर इज ऑलवेज ए डिले ऑफ 0.1 सेकेंड, जहां पर ये फिर ए बी नोड को एक्साइट कराता है जिसे हम आरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड कहते हैं, जो कि राइट वेंट्रिकल की तरफ थोड़ा सा होता है ये, और प्रेजेंट होता है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम में। फिर ये बंडल ऑफ हिज और देन फिर परकंजी फाइबर को एक्साइट करवाता है, जिसकी वजह से वेंट्रिकल की कॉन्ट्रेक्शन होती है। ओवरऑल हार्ट जो हमारा बीट करता है ऑन एन एवरेज 72 टाइम ये बीट करता है, और हार्ट बीट के दौरान क्या होता है कि कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द आर्टिकल फॉलो बाय द रिलैक्सेशन, द रिलैक्सेशन ऑफ द आर्टिकल, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द वेंट्रिकल फॉलो बाय द रिलैक्सेशन ऑफ द वेंट्रिकल। कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द आर्टिकल को हम लोग सिस्टोल कहते हैं और रिलैक्सेशन ऑफ द आर्टिकल को हम लोग डायसिस्टोल कहते हैं। इसी तरीके से कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द वेंट्रिकल को भी सिस्टोल एंड रिलैक्सेशन को डायसिस्टोल कहेंगे। अब जैसे मैंने पहले बोला, पहले आर्टिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये 0.1 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है वो 0.3 सेकंड के लिए। नेचुरली बात है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट किया उसके बाद ये टोटलिटी में रिलैक्स करता रहता है फॉर 0.7 सेकंड, वेंट्रिकल रिलैक्स करता है 0.5 सेकंड के लिए, लेकिन दोनों आर्टिकल और वेंट्रिकल इकट्ठे जब रिलैक्स करते हैं वो करते हैं फॉर 0.4 सेकंड के लिए। नर्वस सिस्टम के ऊपर ये डिपेंड करते हैं फॉर कंट्रोलिंग द रेट ऑफ हार्ट बीट। इसके अलावा एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन जो हार्मोन है वो भी हार्ट बीट को, उसके रेट को कंट्रोल करते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट हार्ट बीट। नेक्स्ट टाइम हम ईसीजी के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन थैंक यू बच्चे।